आपको बताते चले, सितारगंज के सीएचसी चिकित्सा सामुदायिक केंद्र में लगाई जा रही वैक्सीन, इसी के साथ कोरोना टेस्ट करने वालों की लाइन भी देखी गई। वहीं उपस्थित डॉक्टर अभिलाषा ने बताया, सितारगंज सीएचसी चिकित्सा सामुदायिक केंद्र में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीन लगाने के लिए सितारगंज व सितारगंज के आसपास के क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंपों के माध्यम से अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कोविड किट भी दी जा रही है। रिपोर्ट अश्विनी दीक्षित। शुरू से अभी तक, हाँ जी, अभी तक ऐसा मेरे पास कोई ऐसा डाटा तो आरटीपीसीआर का नहीं है, पर रैपिड में डेली 8-9 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। हमको पॉजिटिव पेशेंट को वैक्सीन तब तक नहीं लग सकती जिनकी, जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं हो जाती। तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कोविड किट दिया जा रहा है, जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम में है। तो जिनको ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं उनको टाइम भी रेफरल सेंटर भेजा जा रहा है। अभी सबको वैक्सीनेशन हो रहा है, सिर्फ 45 बिलो सबको वैक्सीनेशन जरूर रूप से। हमारे यहाँ 28 जनवरी से शुरू हो गया था वैक्सीनेशन, पहले हमारे फर्स्ट लाइन वर्कर्स को लगा था, उसके बाद फरवरी ऑनवर्ड हमारे यहाँ जितने भी 60 प्लस थे उनको लगना शुरू हो गया था। मार्च से हमारे यहाँ 45 प्लस को वैक्सीन लगना शुरू हो गया था, जो सुचारू रूप से चल रहा है। पर जो ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक है उनको वैक्सीन के लिए मना करा गया। वैक्सीन के लिए जगह जगह पे कैंप का आयोजन बीच बीच में कराया जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ भी जेल कैंप में लगाया गया था और कुछ वार्ड्स में भी लगाया गया है कैंप वैक्सीनेशन के लिए। बाकी सितारगंज सीएससी है, यहाँ पे 2-3 पीएससी उन पे लगाया गया। शक्ति फार्म वैक्सीनेशन हो रहा है, नाना मत्ता में वैक्सीन हो रहा है। दूसरी वैक्सीन है कोरोना वायरस से बचाने के लिए लगाई, पूरा भरोसा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए इंजेक्शन, हमें पूरा भरोसा है कि इससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। बिल्कुल, सरकार ने ये वैक्सीन इसीलिए लगाने का अभियान जारी किया है कि इसी से एकमात्र उपाय है जिससे कि कोरोना से बहुत जल्दी नियंत्रण किया जा सकता है। तो कोवी शील्ड वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है और हर दिन करीब 150 से 200 लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। आज भी हमने अब तक 110 लोगों को वैक्सीन लगा दी है और हम सभी लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएँ अपने परिचितों को, जल्दी से जल्दी ये वैक्सीनेशन का अभियान को सफल बनाएँ। जी सर, पा सकते हैं क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल है।